बहुत सारे लोग जब हम चर्च आते हैं, प्रभु के कामों में होते हैं, आज हमें मूर्ख बोलते हैं, पागल बोलते हैं। जब नूह बना रहा था उसे भी पागल बोल रहे थे। आज जब हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, आपकी नींव चट्टान पर तैयार करी जा रही है, आप स्थिर करे जा रहे हैं, ताकि जब बाहर वो आंधी तूफान आए आप खड़े रह सकें। पागल व्यर्थ तो कुछ नहीं पता, और हम जानते हैं जब बाढ़ आई तब पता चला कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। जब बाढ़ आएगी तब असल पता चलेगा। इब्रानी 11 उसका 7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जब जहाज बनाया तब कोई बारिश नहीं थी, तब कोई मे नहीं था, तब कोई आंधियां नहीं चल रही थी, तब कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे थे। जब ये नहीं था तब जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। लोग उसे मूर्ख कह रहे थे, पागल बोल रहे थे, पर वो बना रहा था, लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, पसीने बह रहे थे, वो जानता था क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग जब हम चर्च आते हैं, प्रभु के कामों में होते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं, प्रभु के भवन में होते हैं, आज हमें मूर्ख बोलते हैं, पागल बोलते हैं। जब नूह बना रहा था उसे भी पागल बोल रहे थे। आज जब हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, आपकी नींव चट्टान पर तैयार करी जा रही है, आप स्थिर करे जा रहे, ताकि जब बाहर वो आंधी तूफान आए आप खड़े रह सकें। पागल व्यर्थ तो कुछ नहीं पता, और हम जानते हैं जब बाढ़ आई तब पता चला कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। जब बाढ़ आएगी तब असल पता चलेगा। आज रेत वालों को भी लग रहा है कि हमारा भी घर बन गया, देखो चट्टान वाले को भी अभी घर सेम दिखाई देता है, इसीलिए वो बोलते हैं देख घर तो हमारा भी है, तेरे पास क्या खास है, तू चोट जाई जाता है, तू इतना टाइम अपना बर्बाद करी जाता है। चट्टान पर जाना, हाँ मेहनत करना, घर तैयार करना, लोग मजाक बनाते, नूह का भी बना रहे थे। बाढ़े आएंगी, तूफाने चलेंगे, आंधियां आएंगी, जो घर रेत पे बना हुआ है वो ढह जाएगा, परंतु जो घर चट्टान पे बना हुआ है वो बना रहेगा। चिंता ना करें, नूह ने इग्नोर किया, नूह अपने काम में लगा रहा। अब अपनी बिल्डिंग को मत छोड़ो, अपने बनाए जाने को मत त्यागो, प्रभु को काम करने दो। हम जानते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है प्रभु। जब वर्षा आई दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, पर वो प्रभु के द्वारा बंद किया गया था, वो खोला नहीं गया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जरूरी है इस अंतिम समय में बने रहना। निर्गमन 12 उसका 46, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पैसोवर का समय था, तो उस दौरान मांस लिया गया और उस जो पशु था, प्रभु की इंस्ट्रक्शन थे कि कोई हड्डी मत तोड़ना। ये एक तरीके का प्रोफेटिक शब्द था जो आने वाले समय पे मसीह में पूरा होना था। जब लोगों को तलीब पे लटकाया जाता था तो कुछ समय के बाद उनकी जो टांगों की हड्डियां हैं उसे तोड़ा जाता था, ताकि जो व्यक्ति है वो जल्दी मर सके। और अगर आप निकालो वचन यूहन्ना 19 का 32, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी भी टांगे तोड़ी गईं, साथ वाले की भी टांगे तोड़ी गईं। पर जब यीशु के पास आए, बाइबल बयान करती है, उन्होंने यीशु की टांगों को कुछ नहीं किया। जो दोनों चोर थे, एक जो जिक्र करता है वो आदम का करता है, जो प्रभु की दया को मांग रहा है, और वहीं पर दूसरा शैतान को जिक्र करता है, लूसीफर को। दूसरे वाले ने क्या बोला, अगर तू प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा, हमें भी बचा। ये किसकी वर्डिंग्स हैं? मत्ती 4 में क्या बोला शैतान ने यीशु मसीह के पास जंगल में आकर, अगर तू प्रभु का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियां बना ले, तो प्रभु का पुत्र है अपने आप को गिरा दे और दूत तुझे पकड़ ले। प्रभु स्मरण करते हुए तो आदम था, मृत्यु के द्वारा प्रभु की दया ने उसे छुआ, उसे क्या कहा, याजी मेरे साथ परलोक में हो। और 19:33-34, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। उसकी टांगे
ना तोड़ी, देख रही हूं वो स्ट्रक्चर बना रहा। इसी प्रकार जब आप प्रभु में होते हो, प्रभु आपको बनाता है, आप बने रहते, चीजें टूटती नहीं है आपकी लाइफ में, प्रभु आपको स्थिर रखता, आपको बनाए रखता। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। बर्छे में साइड में पंजर भेदा, वहां से क्या निकला? लहू और पानी। लहू और पानी क्या है? पानी का बपतिस्मा, प्रभु लहू के द्वारा आपके जीवन में मुक्ति का आना। हवा कहाँ से निकाली गई? साइड से निकाली गई। उसी प्रकार अगली हवा का, यीशु की हवा, जो कलीसिया है, हम यीशु की दुल्हन है, उसका उस पानी में से होके, उस लहू में से होके, उस बपतिस्मा के द्वारा पवित्र बन के निकलना, ताकि स्वर्ग में अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ बिता सके। प्रभु का प्रेम, जो चीजें प्रभु में से निकलती हैं वो स्थिर रहती, वो बना रहता है। उस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। आज प्रभु को बनाने देना अपने आप। यशाया 54 उसका 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। तो लोग के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे, वो आंधियां प्रबल ना हो। हालेलुया, स्ट्रक्चर प्रभु ने तैयार किया, वो बना रहेगा। याती है, वहां आते हैं, प्रभु पे बना है, वो सदा बना है। मैं अपनी नींवें चट्टान पर डालनी। नूह ने जहाज बनाया, अब को देख के नहीं बनाया, पर क्या होने वाला था उसको देख के बनाया। आज जो कार्य हम कर रहे हैं, ये उपवास, ये प्रार्थना है, बहुत लोगों को लगता है क्या क्या है ये, आम सा, बाकी लोगों की चीजें भी तो हैं, वो पता नहीं है क्या हो रहा है। नूह की तरह जो हम जहाज बना रहे हैं, प्रभु को अनुमति दे रहे हैं, प्रभु में बना रहे हैं उपवास और प्रार्थना। आने वाला समय आंधियां, तूफान, बाढ़ें, अपने आप को चट्टान पे स्थापित करना, सही जगह, सही लोग आपके जीवन में। अंतिम समय है, आपको ये बात ना जीवन चट्टान पर स्थापित कर। आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, बड़े बड़ी लहरें उठ खड़ी हो रही हैं, पर वही बना रहेगा घर जिसकी नींव चट्टान पर स्थापित है। असल में पता चलेगा कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। जो सकता है लोग मजाक बना रहे हैं, लोग मूर्ख बोल रहे हैं आप, पर तब असल में पता चलेगा। तो वेट करते हुए, पेशेंट धैर्य के साथ, धीरज बनाते हुए, वो बिल्डिंग प्रोसेस को छोड़ो ना, बिल्ड करते रहो, बिल्ड करते रहो। कलीसिया में आना, उस उपवास में, उस प्रार्थना में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। पुलपिट से आपको आज्ञाएं मिल रही, क्योंकि दासों के द्वारा, आपके अगुओं के द्वारा, पकड़ लो, थाम लो, अपने आप को बिल्ड करो। ये सारी चीजें क्यों हैं? आप स्थिर रह सको। उन्हें उद्धार कराया आपको इसलिए ताकि वो उद्धार बना रहे। आज उद्धार है, कल को खो दिया, क्या फायदा लिएगा? दूसरा राजा 13 उसका 21, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलेशा की कब्र में डाल दिया, और एलेशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। सही स्थान पे वहां पहुंचा जो खत्म हो चुका था, जो गिर गया था, जो मर गया था, ऐसी एलेशा की हड्डियों ने उसे छुआ, इधर फिर से जीवन आ उठा, वो पाँव के बल खड़ा हो गया, स्थिर हो गया। आप समझ रहे हो, संभल गया। अब आपको बनाता है, खड़ा करता है, अब गिरते नहीं, प्रभु के बल के साथ। जब बाढ़ें आई तब डूब गए वो और उसका परिवार बना। कार्य करना जीवन पे, परिवार पे, लाइफ पे। संगति में आना, आपको नहीं पता क्या क्या होता है आपकी लाइफ। अधिकतर इस समय संगति पे सबसे ज्यादा अटैक है, और सही संगति, सही सच्ची संगति ध्यान दो। जो आपके पास ये मौके हैं, ये प्रभु आपको बना रहा है, इसको जाने ना दो। हालेलुया।